नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी न्यूज। डीएनपी न्यूज में आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। हाल के दिनों में यहां जिस तरीके से राजनीतिक हिंसाएं बढ़ी है वह चिंता का विषय है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ वह किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में संवाद आवश्यक है, विरोधी विचार का भी सम्मान होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं दिखता है और इसके पीछे उसका एक लंबा इतिहास है जो वामपंथ से शुरू होती है 60 के दशक से। जब नक्सलवाड़ी से यह वामपंथी आंदोलन शुरू होता है तो उनका भी मुख्य उद्देश्य यही होता था कि किसी भी तरीके से अपने विरोधी विचारधाराओं को कुचल दो, खत्म कर दो, भले ही इसके लिए राजनीतिक कर्तव्यों की हत्या ही क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि 60 के दशक से लेकर आज तक भारी संख्या में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। ये भी दुर्भाग्य है कि यही लोग देश के बाहर अभ्यक्ति की आज़ादी और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करती रहती हैं, लेकिन खुद इनके ही राज्य में जिस तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता पर पाबंदी है, अभ्यक्ति की आज़ादी को कुचला जा रहा है, ये भी किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जा सकता है। सच तो ये है कि लोकतंत्र की सफलता ही वह लोकतांत्रिक संवाद और राजनीतिक स्वतंत्रता पर ही निर्भर करती है। अगर इन दोनों का ही गला घोंट दिया जाए फिर लोकतंत्र की सफलता कैसे मानी जाएगी। साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जहां अपने राजनीतिक वजूद की तलाश में है, वहीं तृणमूल कांग्रेस हर शाम दंड भेद की नीति अपनाकर सत्ता पे काबिज होना चाहती है। जिस तरीके से हालिया मुस्लिम तुष्टिकरण से हिंदुओं के बीच एक नाराजगी है, बीजेपी उसे भुना रही है और इसी वोट बढ़ते वोट बैंक के मद्देनजर ममता बनर्जी अब हिंदू पंडितों को भी 1000 रुपये मासिक वेतन देने का फैसला किया है। हालांकि हिंदू मतदाताओं के जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में गोलबंद होता दिख रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय है। उसे पता है कि मुस्लिम मतदाताओं के तुष्टिकरण की आड़ में अगर हिंदू ध्रुवीकरण हुआ तो फिर उनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी। बीजेपी इसी बात को समझ रहा है और वह हिंदू मतदाताओं को गोलबंद करने की स्थिति में है। एक ओर जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भारी तादाद है, 156 सीटों पर निर्णायक की स्थिति में, तो उनके 3 दावेदार भी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस या फिर वामपंथ। मुस्लिम मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी स्थिति यह है कि वह उन राजनीतिक दलों को चुनना पसंद करती है जो राज्य में बीजेपी को हरा सके, क्योंकि बीजेपी की राजनीति उन्हें सूट नहीं करती है और ममता बनर्जी इन्हीं बातों को बार बार उभार रही है। वो मुस्लिमों को भड़का रही है बीजेपी के खिलाफ ताकि वह उनके साथ जुटे रहें, वह उन्हें बीजेपी का भय भी दिखा रही है। वहीं बीजेपी NRC और घुसपैठिए के मुद्दे पर हिंदू को ध्रुवीकरण कर रही है। हिंदू मतों को गोलबंद करने से बीजेपी के राज्य में सत्ता की वापसी के मार्ग दिख रहे हैं। ऐसा वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कर लिए जहां उन्होंने इतनी सीटें जीत ली जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से हिंदू मतों का गोलबंद हुआ और बीजेपी ने 22 सीटों पर कब्जा की, यह तृणमूल के लिए किसी संकट से कम नहीं है। अब तृणमूल कांग्रेस को भी लगने लगा है कि जिस तरीके से स्थानीय निकाय विधान और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत राज्य में बढ़ा है, उससे उन्हें खतरा पैदा हो गया है। उन्हें साफ महसूस हो रहा है कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को इस स्थिति में नहीं देख पा रहे हैं कि वह उनकी लड़ाई लड़ पाएगा। वामपंथ की अब हैसियत नहीं कि वह बीजेपी को हरा सके, अतः मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस के साथ तो रहेगी ही, लेकिन अगर उनके साथ हिंदू मतदाता छिटक गया तो फिर राज्य में सत्ता में वापसी करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये हर शाम दंड भेद अपनाना चाहती हैं और इसी प्रक्रिया में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, जिससे लोगों के बीच एक नाराजगी और गुस्सा है। बीजेपी यही नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी राज्य के पिछड़े अति पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में जाके लोगों से संवाद कर रही है, उनके साथ भोजन कर रही है और उनका हिमायती बनकर उनके साथ खड़ा होना चाहती है। यही चीज़ें तृणमूल कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये स्थिति बनी रही तो शायद सत्ता में वापसी करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। विरोध में वह राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे हैं और इस हत्या में बड़े बड़े नेताओं को भी छोड़ नहीं रहे।
हाल के समय में जिस तरीके से बीजेपी बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वह भी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि दिलीप घोष ने कहा है कि यह न पहला न आखिरी हमला है मेरे ऊपर, ऐसी कई हमलाएं हमारे ऊपर तो होती ही नहीं है। पर राज्य में सबसे अधिक चिंता आम लोगों को है ममता बनर्जी की चंगुल से बचाना। अगर यह हिंसाएं चलती रहीं तो किसी भी रिहा से राज्य के लिए ठीक नहीं होगा। पर क्या करें, राज्य में हिंसा के लिए एक जगह बना दी गई है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, राज्य में हिंसा के लिए एक जगह है जिसके बगैर उन्हें लगता है कि राज्य में सत्ता पे काबिज नहीं हुआ जा सकता है। उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरीके से वामपंथ ने उद्योग धंधों का चौपट कर दिया, हड़ताल और रैलियों के जरिए, रंगदारियों के जरिए उद्योग धंधों का पलायन हो गया है, वही कार्यक्रम वामपंथी के बाद तृणमूल कांग्रेस के राज में भी चलता रहा है और जिसके कारण बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं और किसी न किसी तरीके से राजनीतिक दलों के साथ जुड़कर हिंसा और उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है और यही राज्य के विकास में बाधक भी साबित हो रहे हैं। नहीं तो एक समय एशिया का 46% निर्यात करने वाला बंगाल आज इतना गरीब नहीं होता। वहाँ उद्योग धंधे की स्थिति ठीक नहीं है और गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से घुसपैठियों को यहाँ पनाह दी जा रही है, उस तरीके से राज्य के डेमोग्राफी को भी एक अलग दिशा में दिखाने की कोशिश हो रही है। इससे भी बीजेपी को चिंता हो रही है और इसी डेमोग्राफी को बिगड़ने का खतरा बीजेपी को लग रहा है और इसका वह जमकर विरोध कर रहा है। तो अभी 2021 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सियासी ताने बाने बुने जाएंगे, विरोध भी होगा, हमला भी होगा। तो आप देखते रहिए DNP न्यूज। आगे की खबरों के लिए जो भी खबरें आएंगी, DNP न्यूज हर उससे आपको रूबरू कराएगी। नमस्कार।